जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में कौन सा पोस्ट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आप लोग उस पोस्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मेरी ओर से आपको ओपिनियन दूंगा कि कौन सा पोस्ट अच्छा रहेगा। आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे कि कौन सा पोस्ट अच्छा है और उस पोस्ट में क्या क्या काम आप लोगों को करना पड़ता है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें, आप जब इंडियन आर्मी रैली में भर्ती में जाते हो तो वहाँ पे आपको तीन तरह का पोस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा जीडी मिलेगा, बाद में ट्रेड्समैन मिलेगा, फिर क्लरिकल पोस्ट मिलेगा, जिसमें आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई करें होते हो ऑनलाइन, राइट फ्रेंड्स। तो आप जब भी जाओगे इंडियन आर्मी रैली में तो आपको ये तीन पोस्ट वहाँ देखने को मिलेगा। तो आप बात करते हैं पहला पोस्ट जो जीडी पोस्ट है, उसमें आपको दो तरीके के आप उसमें जा सकते हो। आपका दो तरीके का क्वालिफिकेशन लेते हैं, उसमें 8th पास होना चाहिए और आपका 10th पास होना चाहिए, तब जाके आप जीडी पोस्ट में जा सकते हो। जीडी पोस्ट में आपको मल्टीपल काम करना पड़ेगा इंडियन आर्मी रैली की ओर से। जो भी काम आपको देंगे वहाँ पे आपको गार्डनिंग करा सकते हैं, आपको कई तरह के काम होते हैं इंडियन आर्मी कैंपस में, तो उसमें आप जीडी पोस्ट में आपको काम दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड्समैन के बारे में। फ्रेंड्स, ट्रेड्समैन में क्या क्या काम रहता है, देखिए फ्रेंड्स, ट्रेड्समैन मतलब ट्रेड वाइज रहेगा। ट्रेड्समैन में आपको रहेगा कुकिंग में आप जा सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। अदरवाइज आप वॉशमैन में काम कर सकते, यानी कि वॉशरमैन में काम कर सकते हो, या फिर गार्डन में काम कर सकते हो, या बार्बर में। इनमें से कोई भी आपको दिया जाएगा आफ्टर, अगर आप ट्रेड्समैन में डाले होंगे। ट्रेड्समैन में भी आपको 10th क्वालिफिकेशन का भी जरूरत होता है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आप क्लरिकल पोस्ट के बारे में। क्लरिकल पोस्ट जो कि बहुत ही, मैं कहूँ तो अच्छा है। अगर आप क्लरिकल पोस्ट में जाते हो तो क्लरिकल पोस्ट में बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि क्लरिकल पोस्ट में आपको वहाँ पे बैठे बैठे काम करना पड़ता है। आप जब भी आर्मी रैली में जाते हो वहाँ पे कुछ बैठे रहते हैं, आपका जब मेडिकल टेस्ट होता है या कुछ रिटन एग्जाम होता है या कुछ लिखने का जरूरत है, जो मेरे भाई रहते हैं आर्मी रैली, वो क्लरिकल पोस्ट में ही उनका अपॉइंटमेंट रहता है। तो उसी तरह आप अगर जाते हो क्लरिकल पोस्ट में तो वैसे ही आपको क्लरिकल पोस्ट वहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात आती है कि आपको कौन सा पोस्ट चूज़ करना है। फ्रेंड्स, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जो भी पोस्ट चूज़ करते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर मेरी ओपिनियन माने तो आप क्लरिकल पोस्ट में ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि क्लरिकल पोस्ट ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, थोड़ा ऑफिशियल काम रहता है, कुछ पेपर वर्क रहता है, तो इजीली आप वो कर सकते हो। लेकिन लगभग ज़्यादा बंदे क्या करते हैं, जीडी पोस्ट में भी जाते हैं, ट्रेड्समैन पोस्ट में भी जाते हैं। ऑल ओवरऑल अगर बात करें तो वहाँ पे क्लरिकल पोस्ट काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि बैठे बैठे काम करना तो आप क्लरिकल पोस्ट में जा सकते हो, नहीं अगर चाहते हो कि जीडी पोस्ट या ट्रेड्समैन पोस्ट में जा सकते हो तो उसमें भी जा सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा पोस्ट सिलेक्शन करते हो, राइट फ्रेंड्स। वो डिपेंड करता है आपके मार्क के ऊपर, आप कितना मार्क सिक्योर किए हो, आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरा इस वीडियो का मोटो ये था कि आप कौन सा पोस्ट चूज़ करें जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो, और आगे जब ज्वाइन करो इंडियन आर्मी तो अच्छा आपको पोस्ट के हिसाब से अच्छा जॉब मिले। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा पोस्ट चूज़ करते हो फ्रेंड्स, राइट। हे फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद।